नमस्कार दोस्तों, धन से नहीं मन से अमीर बने, क्योंकि मंदिरों में स्वयं कलश भरे लगे रहे लेकिन नतमस्तक पत्थर की सीढ़ियों पर ही होना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, ओम साई नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके राशिफल के बारे में, आने वाले समय में किन चीजों से सावधान रहना होगा, और आपको बता दें आने वाले समय में वो कौन सी खुशखबरियां मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में आज का राशिफल बताएंगे। आज आपका पारिवारिक जीवन, बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, प्रेम संबंध कैसा रहेगा, इसके साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आज का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। यदि आप भी अपनी राशि जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, आज गुरुवार है, साईनाथ महाराज का दिन है। दोस्तों, कमेंट में ओम साईनाथ महाराज जरूर लिखना। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आज के राशिफल के बारे में। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज सूर्यदेव उदय होंगे सुबह 6:45 पर और सूर्यदेव अस्त होंगे शाम 6:21 पर। दोस्तों, आज का शुभ समय है सुबह 10:38 से दोपहर 12:24 तक रहेगा। अगर दोस्तों कोई भी शुभ काम करना हो इसी समय करें, ये आपके लिए शुभ रहेगा। इसके साथ ही साथ आज का अशुभ समय है दोपहर 3:15 से शाम 4:02 पर। दोस्तों, आज आपका लकी नंबर है 7 और लकी कलर है जामुनी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपके राशिफल के बारे में, कैसा रहेगा आपका दिन। आइए जानते हैं कि शुरुआत में खूब मेहनत कर सकते हैं। पैसों को आने वाले समय के लिए जरूर बचाएं, क्योंकि दोस्तों पैसा ही सब कुछ होता है। दोस्तों, पैसों से जिंदगी को भी बेहतर बनाया जा सकता है और सभी इच्छाओं को भी पूरा किया जाता है। दोस्तों, इन सब बातों को आप अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा ध्यान से रखिएगा। इसी के साथ ही दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि पारिवारिक माहौल बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है, जिससे दोस्तों आप लोगों का भी मन खिन्न रहने वाला है। दोस्तों, घर में अब शांति और सुकून भरा माहौल देखने को मिलेगा। यूं कहें तो दोस्तों घर स्वर्ग जैसा बनने वाला है। भाई बहन का रिश्ता और ज्यादा गहरा होने वाला है। दोस्तों, भाई बहन की अगर हर घर चर्चा होने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों कुछ इस तरह के कार्य होने वाले हैं जिससे कि आपका मान सम्मान बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है। दोस्तों, आपको बता दूं, जिसका आप बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो चीज की प्राप्ति अब होने वाली है। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, आप लोग बहुत दिनों से विदेश जाने के बारे में सोच रहे थे। दोस्तों, अब वे यात्रा करने का भी समय आने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग अपनी तैयारी अब दिल खोल करके शुरू कर दीजिए। यहीं पर ही दोस्तों, यदि बात की जाए प्रेमी जोड़ों के बारे में, जो वर्षों से दोस्तों प्यार करते आ रही हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। दोस्तों, अपने प्यार का इजहार कर सकती हैं और आने वाले 9 वर्ष के बाद में दोस्तों आप लोग शादी के बंधन में भी बन सकते हैं। और दोस्तों, इस समय आप लोगों के ऊपर महादेव का आशीर्वाद बना हुआ है और आप लोग अपना वैवाहिक जीवन का आनंद अब ले पाएंगे। संतान की इच्छा प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों, इस समय माता रानी के दरबार में जरूर जाएं, उनकी पूजा और आरती जरूर करें, जिससे कि दोस्तों माता रानी आप लोगों की जल्दी ही मनोकामना पूर्ण कर दे। वहीं पर ही दोस्तों, जिन लोगों के बच्चे अभी पढ़ाई क्षेत्र में है, वे दोस्तों अपनी पढ़ाई से आप लोगों का दिल जीतने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों परीक्षा में भारी मार्क से वे उत्तीर्ण होने वाले हैं। समय बहुत ही ऊर्जावान है, बलवान है। इस समय में किसी भी कारण आप अपनी ऊर्जा के साथ में कार्य करिए, यहीं तक कि दोस्तों अपना कार्य काफी अच्छे से संपन्न भी होगा। और दोस्तों, कार्य क्षेत्र में भी आप लोग किसी से भी लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, इसलिए दोस्तों आप लोगों को अपने वाणी पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी को अपशब्द ना कहें, जिससे कि दोस्तों आप लोग परेशान हो सकते हैं।
माता पिता का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखें, क्योंकि दोस्तों माता पिता की वजह से ही आप लोग अपने जीवन में आए हैं। दोस्तों इसका दिन रात आपको शुक्रिया अदा करना है, धन्यवाद करना है, जिनकी वजह से आप लोग इस संसार का सुख मिल पाया है। और दोस्तों इसके साथ ही अब भाई के साथ में आप लोगों का कोई ना कोई बड़ी डील हो सकती है, जिससे कि दोस्तों आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा भी हो सकता है। मोबाइल पर कोई ऐसी सूचना मिल सकती है जो कि दोस्तों आप लोगों को किसी कंपनी में पैसा निवेश करने के लिए कर सकती है। किंतु दोस्तों आप लोग अपने बड़े बुजुर्गों से या फिर किसी सलाहकार से भी सलाह लेने के बाद में ही निवेश करें, अन्यथा दोस्तों आप लोगों को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी हो सकती है। तो दोस्तों बेहद ही सावधान रहे, इस समय आप लोगों को बहुत ही ज्यादा लाभ भी होगा और दोस्तों बहुत ज्यादा हानि होने की भी संकेत है। तो ऐसे में किसी भी कार्य को दिखावे के लिए ना करें, दोस्तों जरूरत से ज्यादा खर्चा ना करें, क्योंकि दोस्तों आपकी आर्थिक स्थिति एक बार डगमगा भी सकती है। तो दोस्तों इन सब बातों को जिंदगी में बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखें, पैसों को कभी भी दोस्तों बर्बाद ना करें, क्योंकि समय बार बार नहीं आता है। दोस्तों ईश्वर मौका केवल एक ही बार देते हैं, उस मौके का लाभ जरूर उठाएं। और दोस्तों आपको 24 घंटा चौकन्ना रहने की आवश्यकता है, क्या पता कब आपको ईश्वर क्या बड़ा संकेत दे दे। नौकरी में कार्यरत लोगों को इस समय प्रमोशन मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। और दोस्तों आपको बता दे कि आपका दुश्मन आपसे बार बार लड़ाई झगड़े की स्थिति बनाता है, तो उससे आपको सावधान रहना होगा, नहीं तो वे एक नया षड्यंत्र आपके लिए रच सकता है। इन दिनों में दोस्तों आपका स्वास्थ्य काफी अच्छी तरह से बना हुआ है, इसलिए दोस्तों थोड़ा खास अपने आप को थोड़ा संभालने की आवश्यकता है, जो कि दोस्तों आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों हर किसी को ईश्वर मौका एक ही बार देते हैं, उस मौके का लाभ उठाने की कोशिश करिए। दोस्तों कोई नई खोज पर निकल सकते हैं, हालांकि इंटरनेट का जमाना अब आ गया है तो मोबाइल पर ही पढ़ना लिखना ज्यादा पसंद हो गया है, लेकिन दोस्तों वहीं पर ही मोबाइल से कुछ नुकसानदायक स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इन सब बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखें। और दोस्तों इस समय आपको बता दें कि कोई नया रिश्ता आ सकता है जिसको आप अपना भी सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों की इच्छा अपूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दोस्तों जो बहुत दिनों से वर वधु की तलाश में निकल रहे थे उनकी अब तलाश पूरी होने वाली है। कुल मिलाके दोस्तों आपका दिन थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा रहने वाला है। हम आशा करेंगे कि आने वाले अगले सभी दिन आप सभी के काफी अच्छे से व्यतीत हो और माता रानी की कृपा से, शिव शंकर की कृपा से, श्री गणेश की कृपा से आपके घर में रिद्धि सिद्धि हमेशा विराजमान रहे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि दोस्तों आपको नित्य प्रतिदिन दैनिक राशिफल मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।